यहाँ पे देखो सबने मास्क पहने हुए अपने अपने के, बिकॉज यहाँ पे फाइन है कितना, बहुत महंगा कितना 450 मतलब डिपेंड है कि आप पहली बार पकड़े जाओगे तो कम है, फिर मतलब मैक्सिमम 450 यूरोज है। 450 यूरोज तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने सिक्स्थ वंडर या फिर फिफ्थ भी कह सकते हो हमारे टूर गाइड के साथ टूर गाइड पुलकित के साथ। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और कल इन्होंने ही होस्ट किया हमको, और आज मैंने कहा भाई पहले यहाँ चलते हैं। देखो टिकट 16 की है, कहा था ना मैंने, हाँ तो उसमें ऐसा है ना, एक दो है, एक तो अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं और एक में सिर्फ आपको ऊपर वहाँ से देख सकते हो। तू नहीं कहना नहीं क्या करना है। और हमारे साथ है भाई स्मिथ हेलो और ऐश्वर्या। तो भाई हमने सबसे पहले सोचा कि हाँ तुझे तो जानते हैं पंजाबी, तो सबसे पहले मैंने सोचा भाई यहीं आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट की बहुत लंबी लाइन होती है, एंट्रेंस की बहुत लंबी लाइन होती है, तो देखते हैं टिकट मिल पाती है नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार सोल्ड आउट भी हो जाते हैं ना। सोल्ड आउट हो जाते हैं इनका अभी कोरोना की वजह से, ऐसा है कि लिमिटेड लोगों को अलाउ करते हैं। अच्छा अभी देखो साइकिल वाले आ गए। तो भाई देखते हैं आज का क्या सिस्टम बैठ पाता है, क्या हम इसके अंदर जा पाते हैं नहीं जा पाते, क्या लग रहा है। एक बार ये ना दो तीन बार इसको बहुत महंगी टिकट लगी, फिर कहता क्यों क्यों जाना है इतना महंगा, पर एक बार मन बनाया था हाँ, फिर वो सोल्ड आउट थी, फिर वो सोल्ड आउट थी। ना जी ठीक है भाई, इतने वो नहीं है पैसे, मतलब सीधी सी बात है भाई। तो देखते हैं भाई यहाँ पे मतलब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही भाई सारे लोग की टिकट चाहिए टिकट चाहिए, सब कह रहे हैं कि वहाँ नहीं बिकती वहाँ नहीं बिकती। अब तो एक इंडियन गाइड भी खड़ा था, तो भाई वो है कि गाइड के साथ अब जाओगे तो मेरे हिसाब से 35 यूरो पड़ता है, या फिर आप बारगेन भी कर सकते हो, पर नॉर्मल टिकट तो 16 की है। अब देखते हैं कितनी क्या लंबी लाइन है। एक्सपीरियंस गाइड के साथ घूमने का फायदा क्या, फोटो क्या रहा हूँ क्या कह रहा, वो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है हाँ। जिससे पूरा कोलोजियम आएगा, यहाँ से खिंचाओगे तो आप छोटे दिखोगे कोलोजियम में, सब गाइड मतलब मजा नहीं आएगा, मतलब हम कोलोजियम से बड़े हैं। तो भाई आज की टिकट सोल्ड आउट है, ऑनलाइन भी सोल्ड आउट है, और मतलब यहाँ पे टिकट काउंटर ही नहीं है कोई, इतने लोग आते हैं भाई यहाँ पे, तो मतलब अभी कोरोना के टाइम पे ये हालत है, सोचो पहले क्या हालत रहती होगी। तो हमने सोचा भाई वैसे पास में ही है अपने घर से ये, तो कल आ जाएंगे, आज रात को टिकट बुक कर देंगे ऑनलाइन बैठ के, क्योंकि यार मेरे को इतना हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ लेंगे, वरना गाइडेड टूर मिलेंगे आपको 35 यूरो के करीब के, और सिर्फ टिकट मिलेगी 18 यूरो के करीब की। तो और यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स इंडियन है भाई, बहुत सारे मतलब इंडिया पाकिस्तान से, तो देख लेना आपको गाड़ी टूर चाहिए तो गाड़ी टूर ले लेना, वरना टिकट लेके जो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक ही वीडियो रखेंगे, और कल शायद मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता हुआ दिखूंगा।
कैसे तो बताऊं? पुलकित ने थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है, क्या बता रहा था? ये जितने भी जैसे ये गेट्स दिख रहे हैं, इससे हाँ। जो भी फाइटर्स हुआ करते थे और एनिमल्स हो गए, लायंस हो गए, तो हर गेट का एक रोमन न्यूमरल में नंबर है, जैसे XIV, XIV5 ऐसे से कुछ कुछ है, तो हर गेट का एक नंबर है। तो बट अभी ये क्योंकि अर्थक्वेक आया था, तो बहुत साल, पता नहीं कब आया था अर्थक्वेक, जब भी आया था बहुत साल पहले, तो वो टूट गया है सारा। तो कुछ अभी भी रोमन न्यूमरल्स दिखेंगे आगे, अभी हम जाएंगे गोल घूम के तो दिख जाएगा। ओके, देखना चाहिए। ये आपने कहाँ से पढ़ा? ये मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे क्योंकि वो आर्किटेक्ट है। जब भी इसकी फोटो देखी है मैंने, तो मैंने सोचा है कि भाई ये टूटा है या फिर बना ही ऐसा था, मतलब ये टूट गई है बिल्डिंग, या तो चारों तरफ ऐसा ही होगा या टूट गई है। देखो ऊपर से तो क्या है ये, मतलब बनाया ही ऐसा गया था या फिर टूट गई है? तो भाई एक्सपर्ट ने बताया कि मतलब ये जो बना है ये वोल्केनिक रॉक से बना है, मतलब उसको कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है और बाहर ईंटों से बना है, और मतलब ऐसा था कि मतलब कभी नहीं गिरेगा, जैसे टाइटैनिक था ना, बोलते थे कभी नहीं डूबेगा, पर ये भी आखिरकार टूट गया। और जितने आपको छेद दिख रहे हैं ये सारे मतलब गोले बारूद से मारे गए हैं, और इसलिए यहाँ पे डैमेज हुआ इतना, पर टूट गया। जब अर्थक्वेक आया तो ये पूरी लाइन थी ऐसे, पर अब नहीं है, मतलब बहुत सालों पहले की बात है, मैं तो जब से फोटो देखता हूँ ऐसी है। ये है क्या है भाई? ये जितने भी घर है ये सारे लोग, आधे लोगों ने एयरबीएनबी बनाए हैं, वो जैसे ये घर हो गया, वो घर हो गया, क्योंकि डायरेक्ट इनकी बालकनी से कोलोसियम दिखेगा। हाँ। और कोलोसियम दिखेगा तो जैसे वैसे, जैसे पेरिस में होता है ना आईफल टावर दिख रहा है, तो इन्फ्लेटेड प्राइस 1000 यूरोज पर नाइट, 1200 यूरोज पर नाइट, कितना भी हो सकता है। अच्छा, तो हम तो पुलकित के घर से ही नज़ारे ले रहे हैं वो बेस्ट है ये देखो लिखे गेट के नंबर XL, XL तो कितना 40 हो गया ना, XL extra large हम कहीं वहाँ पे थे अभी, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ के आ सकते हो और यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हो। एक और बताया इसने, वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। चलो वहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं हमारे गाइड साहब कहाँ कहाँ लेके जाते हैं तो ये तो हम अंदर से, मैं कल विजिट करूंगा, और अभी हम जा रहे हैं प्याजा वेनिसिया। प्याजा को सामने होगा, प्याजा वेनिसिया तो वो भी मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, मतलब बार बार से देखने की है अंदर। अंदर मैं खुद आज तक गया नहीं हूँ वैसे तो, पर स्टेयर्स तक ऊपर तक जा सकते हैं। ये रोमन एम्पायर में शायद इनका पार्लियामेंट हो सकता था, पता नहीं, डोंट कोट, बट यस हो सकता था, मतलब कहते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे मतलब ये क्या बन रहा है भाई, मतलब बिल्कुल ही ये रेनोवेशन इनका, ये रोमन रुइंस का कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ये हम पहुंच गए रोमन रुइंस, और यहाँ पे पुलिस वाले ने टोक दिया मेरे को थोड़ा सा, तो लगा लेते हैं भाई मास्क, थोड़ा मतलब बहमी लोग तो हैं यहाँ पे, मैंने देख लिया। स्विट्जरलैंड में कोई कंपलसरी नहीं था मास्क लगाने, लगाओ नहीं लगाना मत लगाओ, पर पब्लिक में लगा लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये तो खुला है तो मास्क का कोई ऐसा सेंस बनता ही नहीं। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी मतलब पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये तो रोमन रुइंस हो गया, इसकी एंट्री टिकट है वहाँ पे, एक ही हो गया गुंबद सा, एक वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं प्याजा वेनिस, एक वो गुंबद सा हो गया, उधर भी सारे रुइंस हैं उधर, हाँ। रोड के उस साइड वो भी देखेंगे अभी। ओके, ये पहुंच गए हम दूसरे स्पॉट पे जहाँ पे पुलकित लेके आया है, प्याजा वेनिसिया, और मतलब प्याजा का मतलब स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लगा है भाई, बहुत बड़ा। रात को कैसा नजारा रहता है? रात को बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और ये अभी तो बहुत भीड़ है। हाँ, रात तो में यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 10-15 लोग, रात के 2 बजे नहीं नहीं 11-12 बजे आएंगे आराम से, क्योंकि ट्री तो हमेशा 2 बजे आया है, मतलब ये बतानी नहीं होती बात। यार मिलान में तो सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पे सारी चीज़ें थी, और मिलान इतना खास लगा भी नहीं मेरे को, पर यहाँ रोम में तो मतलब सारी बिल्डिंग्स ऐसी लग रही हैं जैसे बहुत पुरानी हो। तू भी गया ना मिलान? हाँ। बेटर कौन सा है? रोम भाई, मतलब यहाँ पे बहुत सही लग रहा है घूमने का, यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो 2-3 दिन आराम से। मिलान में तो पर मेरे को एक दिन जितना ही लगा, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए। और जैसे हम ये मॉन्यूमेंट पास से देख रहे थे तो मतलब इतना खास नहीं लग रहा था, फिर पुलकित भाई ने क्या बोला कि जितना दूर से देखोगे उतना अच्छा लगेगा, पास आते ही जूम हो जाता है वो आंखों में, हाँ। तो फिर पूरा दिख नहीं पाता ढंग से, तो फिर अच्छा मजा फिर नहीं आता। जाके मैं क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? मजा आया है? मजा आया। अच्छा, वहाँ आप जाओगे पीछे से देखोगे फिर आप क्या कहोगे? मजा आया।
देखो भाई कैसे छोटी छोटी बस है। ये पहली बार देखी है मैंने किसी देश में। स्मॉल रूट वाली बस है, जैसे प्याजा वेनिसिया से कोलोसियम हो गया, और ये जो सर्किट में चलती है बस, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली। तो पर इसमें भी 1.5 यूरो लगते हैं। इसमें मैं कभी बैठा ही नहीं, पर अगर रोमा ATAC लिखा है तो सेम टिकट चलेगी हर किसी में, 90 मिनट्स वाली, 100 मिनट्स। तो ये देखो भाई ये स्ट्रीट, और कई सारी है ना ऐसी स्ट्रीट्स जिसपे लाइटिंग वगैरह लगी है जो रात को जलेंगी। हाँ, जितना भी वो टूरिस्ट सर्किट है ना, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, स्पानिया से लेके ट्रेवी फाउंटेन, प्याजा वेनिसिया, जितनी भी ये है सब में लाइट्स लगी हुई है और बढ़िया लगती है रात में ये। तो अभी हम जा रहे हैं पहले तो खाना खाने, हमने सोचा मैकडी में ही खा लेते हैं क्योंकि इसके घर के पास एक पिज्जा रेस्टोरेंट है जिसपे कितने का पिज्जा मिलता है, 10-12 यूरो का? नहीं नहीं, 4 यूरो का, 4 यूरो का सिर्फ। तो मैंने कहा यहाँ फिर महंगा खाने का मतलब नहीं, क्योंकि ये सिटी सेंटर है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मेन एरिया है। तो अभी खाने के बाद कहाँ लेके जाने वाला है? इसके बाद हम जाएंगे ट्रेवी फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन, ओके। और ट्रेवी फाउंटेन पे मतलब वो काफी फेमस है, यहाँ पे मतलब दिन में 10-15 प्रपोजेस हो जाते हैं। अच्छा, तूने देखे? हाँ, पूरा मतलब ऐसे शोर मच जाता है पूरा, जैसे कोई भी प्रपोजल होता है लोग एकदम तैयार व्यार होकर आते हैं और शादी शुदी का प्रपोजल के लिए कर देते हैं। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा है। और यहाँ पे एक और मान्यता है कि मतलब जैसे आप ट्रेवी फाउंटेन पे उल्टे खड़े होकर ऐसे सिक्का फेंकोगे तो अगर एक सिक्का फेंकोगे तो रोम तुम्हें वापस बुलाएगा, दो होगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा रोम में, ऐसा कुछ है। मतलब टोटल 3 सिक्के आप फेंकोगे तो कुछ कुछ, इनका एग्जैक्ट अब मुझे भी नहीं पता, बट है कैसा कुछ। एक एक सेंट के सिक्के हैं तेरे पास? 10-10 सेंट के हैं। एक एक वाले बैग फिर उसमें उद्धार देर से होगा, 2 यूरो का फेंकना पड़ेगा। चलो आ जाओ पहले खाना। हाँ कुछ बता रहा, बता बता। अब बस कुछ नहीं, अब मैकडी चलेंगे। ओके ओके। तो मैकडी में मतलब कल तो हमने मिलान में खाया था, तो मैकडी था शायद 5 यूरो का बर्गर था। यहाँ सेम ही है कि यहाँ तो इटली है तो सारा सेम ही रेट है ऑलमोस्ट। कई बार ऐसा होता है ना सिटी सेंटर में थोड़ा महंगा मिलता है, बाहर थोड़ा सस्ता मिलता है, यहाँ सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके ही है। सब वे है यहाँ पे? सब वे मैंने तो नहीं देखा अब तक, क्या फेमस है? नहीं मैंने तो नहीं देखा। देखा तो मैंने भी कम है, स्विट्जरलैंड में था, पर यहाँ पे होगा पक्का, एक ना एक तो होगा। वही है कि ढूंढने से सब पे मेरा फेवरेट है ना फास्ट फूड में। यूरो सेवर में गए तो मैकडी में एक ऑप्शन आता है यूरो सेवर, मतलब यहाँ सबसे सस्ती चीजें आ जाएंगी जो भी है, एक यूरो का बहुत सही है। और ये बहुत अच्छा होता है इनका, इसको एक ले लोग कंपेयर करना स्विट्जरलैंड से यहाँ के मैकडी को। 4 ये छोटे छोटे बर्गर हैं, ये वाला मतलब हमने सबसे छोटे वाला लिया, अगर भूख लगती दोबारा ले लेंगे तो, मतलब इससे बड़े वाला बर्गर जो आता है चिकन वो 5 यूरो का है, ये 1.4 का है बस। तो मतलब दो भी लोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। और ये मिल्क शेक है 1 यूरो का, ये भी 1 यूरो, और ये 2 यूरो का तो ये है, पता नहीं क्या लेके आई है, 2 का है शायद ये। तो इस पूरा बिल आया 10.60 यूरो, और करो इससे इसको स्विट्जरलैंड से कंपेयर 30 यूरो। तो ये आ गए हम ट्रेवी फाउंटेन पे, पर पुलकित बता रहा है अगर रात को आओगे ना बिल्कुल खाली मिलेगा, आते रात को भी तो भाई इतनी भीड़ है, मतलब दिख ही नहीं रहा फाउंटेन तो हमको ढंग से, कितनी भीड़ है देखो, ये भी कोरोना के टाइम में। तो भाई अभी ट्रेवी फाउंटेन से निकल के हम जा रहे हैं कहाँ भूल गया मैं, पेंथियन। तो एक ही बीच में चर्च आएगा, रास्ते में मिल जाएगा आपको, मेरे को नाम नहीं पता है, नाम मैं नीचे लिख दूंगा अपने भाई से पूछ के, नॉट टूर गाइड, थैंक यू। तो अभी जा रहे हैं पेंथियन, और चर्च काफ़ी अच्छा है अंदर से, चलते हैं। मतलब रोम मेरे को बहुत सही लग रहा है भाई, मिलान से तो बहुत ही ज़्यादा सही है। और अभी फिर हम चले जाएंगे घर, और फिर आएंगे रात को दोबारा रात का सीन देखने, मतलब रात को कैसा लगता है जब टूरिस्ट नहीं होंगे यहाँ पे। ये हम पहुँच गए पेंथियन पे, और यहाँ गए थे हम पहले फोंताना दे त्रिवी, और ये वाला चर्च का नाम था जिसकी बात मैं कर रहा था। ये देखो भाई ये है पूरी लाइन इसके अंदर जाने की पेंथियन के। तो भाई मैं तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, 45 लोग ही अलाउड हैं इसके अंदर। हम थोड़ा पास जाके आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, और इसका आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये कुत्ता था
कुत्ता है मतलब इसके बारे में क्या कह रहे पुलकित? ढीली पैंट वाला कुत्ता है जो चलता है पैंट हिलती है वैसे ही जैसे ढीली पैंट पहन लियो बेल बॉटम पैंट। आप पुलकित बता रहा था कि फोटोज बड़ी मस्त आती हैं। ये सारे रेस्टोरेंट से नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है ये इंस्टाग्राम वाली फोटो ऐसा वाइन का ग्लास रख के और पिज्जा कर रख के और पीछे फिर पैंथियन आएगा। हाँ लोग जैसे लड़कियां वड़कियां मतलब डेट वेट पे तो गलियां बड़ी प्यारी हैं भाई, बहुत पतली पतली गलियां हैं। चलो अब इनके अंदर देखते हैं अगर अभी घूमते हैं या फिर शाम को आके। तो ये है भाई आइसक्रीम शॉप जिसमें मिलती है क्या 150 फ्लेवर्स की आइसक्रीम जिलाटो। ओके तो क्या प्राइस है यहाँ पे? 4 यूरो का एक कोन है और 12 यूरो तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। ये है वो पंजाबी 150 आइसक्रीम वाली। चलो शॉप मेरे को नहीं खानी अभी, लग तो अच्छी रही है। अभी ये तो 150 नहीं है। अच्छा 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 ये पूरी लाइन है मतलब यहाँ से लेकर करें। अरे तो ये कई बार मैं ऐसे देखता हूँ ना, मैं मन करता है ऐसे ऐसे इतने प्यारे डिब्बे लगते हैं कि इनको कलेक्ट कर लूँ, देखना कैसे हैं। फिर जब ये खत्म होगा फिर इसमें मम्मी सुई धागा रखेगी। तीन वाला है ना ये। ये लेके आ गया आइसक्रीम, मतलब कप में लोगे तो 4 फ्लेवर मिलते हैं 5 यूरो के। हाँ पर जी तो 4 फ्लेवर मैंने लिया है, न्यूटेला वनीला क्रीम मेलन और बनाना। अकेला खा जाएगा इतना? नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। फ्री है? फ्री है, फ्री है। बता तुमने लिया 4 फ्लेवर मेलन बनाना वनीला और न्यूटेला, और क्योंकि सब फ्रूटी है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे फ्लेवर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता, इकट्ठा करते हैं ये फ्रूट से ही, तो इसमें सारे के सारे मैंने फ्रूट वाले फ्लेवर लिए। और हाँ मतलब है इट्स वर्थ 4 फ्लेवर 5। ये भी भाई कोई स्क्वायर टाइप ही है और देखो क्रिसमस ट्री कितना सही लग रहा है। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बढ़िया है यार, अच्छी वाइब्स है। एक तो पहले बात तो ल्यूई विटन का शोरूम इतना बड़ा है भाई, और इसके बाहर लाइन देखो जैसे ये लोग मतलब तड़प रहे हों एलवी का सामान खरीदने के लिए। तो ये देखो भाई क्या डेकोरेशन करी इन्होंने, मतलब लाइट्स में ही डेकोरेशन कर दिया पूरी स्ट्रीट ऐसी है ये। इस तरफ भी इनके कोई मॉन्यूमेंट्स हैं। ये अभी है ऑलमोस्ट न्यू ईयर का टाइम है ये, और अभी पुलकित बता रहा है सुबह हम इसी सड़क से चल के आए। मैंने कहा इससे कब चल के आए बे, तो ये वाली सड़क मतलब रात को अलग ही हो जाती है। देखो मेरे इस तरफ और मेरे इस तरफ तो बिल्कुल अलग ही नज़ारे हो जाते हैं रात को। तो भाई ये स्ट्रीट पे हैं सारे महंगे शोरूम, मैंने तो कईयों के नाम भी नहीं सुने, ये पैटेक फिलिपी क्या है ये मतलब मैंने नाम भी नहीं सुने इनके। तो आसान भाषा में भाई ये इस वाली स्ट्रीट पे आप हम मैं तो नहीं जा सकता किसी भी शोरूम में। ना मैं जाऊं। ये एक शोरूम आया है, ये पुलकित का फेवरेट है। मैक्स मारा भाई, बहुत मारा इसे। फिर इसने शोरूम खोला, मैक्स मारा। तो यहाँ पे दो एस्केलेटर हैं, तो ये क्या सिस्टम भाई इटली में? ये सिस्टम कुछ नहीं है, ये ऐसा है अगर आप सिंगल हो तो इसमें जाओ। अच्छा, क्योंकि ये सिंगल लोगों के लिए, और आप सिंगल नहीं हो आप डबल हो तो इसमें आओ, मतलब भाई बहनों के साथ। जैसे आप सामने एग्जांपल देख सकते हो भाई बहन। तो ये है इटालियन ऑथेंटिक पिज्जा अकॉर्डिंग टू पुलकित, अकॉर्डिंग टू रोमन्स।